सोनाक्षी हमारी फैमिली की सबसे न्यू मेंबर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो चाहती थी कि ये टाइटल सोनाक्षी और रोहित जीते, लेकिन मुझे लगता है कि आपस में तालमेल बिठाने में इनको एक साल और लगेगा, है कि नहीं? सोनाक्षी इधर आ। गाइस, नरेन इस फैमिली की पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, मुझे इनसे ताकत मिलती है। आज मैं चाहती हूँ कि सबके सामने नरेन सोनाक्षी को न्यू ईयर विश करे और न्यू ईयर की एक अच्छी सी एडवाइस भी दे। Can you do it, नरेन? Happy New Year, बेटा। मैं चाहता हूँ कि अगली बार तुम और रोहित मुझसे जीत जाओ। God bless you. देखा मेरे नरेक कैसे हैं? मैंने एक बार कहा और जो मैंने कहा उन्होंने कर दिया। And I promise you, रोहित भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा। इन्हीं का बेटा है ना? ये तुमने क्या किया रोहित? क्यों बताया तुमने? क्यों? हमारे बीच में बात हो चुकी थी ना, फिर तुम्हें सोनाक्षी को भाई के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? आप बार बार ऐसे क्यों बात करती है जैसे सोना कोई आउटसाइडर हो? मेरी वाइफ है वो। मैंने आपसे कहा कि मेरे रिश्ते के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि सोना को सच पता हो, और सोना मुझे लेकर, पूजी को लेकर, आपको लेकर बहुत कंसर्न रहती है, और पूजी की सबसे ज्यादा हेल्प भी सोना ने की है, भूलिए मत आप। यू डोंट फॉरगेट कि सोनाक्षी की वजह से पूजा को ये सब पता चला है, और उसके बाद जो भी हुआ ना वो हमें करना पड़ा। बार बार हम वही बात क्यों कर रहे हैं? के अब क्या सोना को प्रूव करते रहना पड़ेगा कि वो इस फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी, बिखरने नहीं देगी? तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये सब करके तुम अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करोगे और वो भी यही करेगी? करेगी, मुझसे ज्यादा करेगी निशी बुआ, ट्रस्ट मी। वो मॉम से बहुत प्यार करती है, और जिस तरह मॉम ने इस फैमिली का ध्यान रखा है, बिखरने नहीं दिया, सोना भी करेगी। आई ट्रस्ट हर। मैं नहीं बुलाया सोना को। सोना? निशी बुआ, आप इस वक्त जो सोच रही हैं, आपकी एंजाइटी, आपकी टेंशन, सब कुछ पूरी तरह से जायज है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। अपने हस्बैंड के सपोर्ट में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगी। एंड इनफैक्ट अभी ये मेरी भी फैमिली है, मैं अपनी ही फैमिली की सुख शांति को बर्बाद कैसे होने दे सकती हूँ? And honestly guys, मैं बहुत light feel कर रहा हूँ। मुझसे नहीं होता ये बातें छुपाना, झूठ बोलना। मैं सोना को झूठ नहीं बोल सकता। सोना थैंक यू, मैं नहीं, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ ही हूँ मैं रोहित। रोहित ने बताया मुझे एक बहन होने का फर्ज पूरी तरह से निभाया है आपने। इनफैक्ट भाई के ने भी, उन्होंने पूरी तरह से आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट। पूजा को इतना प्यार दिया है आप दोनों ने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वीना भाभी पहले मेरी दोस्त थी। ये ननंद भाभी का रिश्ता बाद में बना, मैं उनके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, एंड ट्रस्ट मी उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन उस वक्त उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी था। मैं भाई से बहुत प्यार करती हूँ, आई हैड टू डू दिस। और भाई की बेटी को अडॉप्ट करके मुझे भी तो माँ की खुशी मिली है ना। पूजा ने भाई के और मुझे, हम दोनों को पेरेंट्स बना दिया। सब कुछ संभल गया था, और पूजा को भाई की गलती की सजा क्यों मिले, है ना? सोनाक्षी, अब ये बात
हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई प्रॉमिस. डोंट वरी प्लीज. रोहित माँ का मैसेज आया, वो डिनर के लिए वेट कर रही है. चले चलते हैं, हम लोग लेट हो गए. मम्मा पुलकी अब तक क्यों नहीं आया? हॉस्पिटल में है, उसका फोन आया था, उसे थोड़ा वक्त लगेगा. डॉक्टर्स की कभी छुट्टी नहीं होती, खासकर इंटर्न्स की. सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए होता है पेशेंट्स के साथ रहना, उनकी देखभाल करना और सब कुछ सीखना. वैसे मम्मा ये खीर आउट ऑफ द वर्ल्ड. आप अगले हफ्ते घर आ जाओ और विम्मी को यही खीर बनाना सिखा दो प्लीज. विम्मी को क्या सिखाऊं, मुझे तो मेरी बेटी को ही बहुत कुछ सिखाना बाकी है. अब मुझे और क्या सिखाना है आपने? हाँ मेरे हिसाब से तो बच्चे ही हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. अब मुझे ही ले लो. मैंने भी ना माँ बनने के बाद लाइफ में बहुत कुछ सीखा है. अब वो पूनम है ना अपनी बिल्डिंग की, उसको पिछले महीने बेटी हुई. अरे वाह, कह रही थी रोज कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है. और वो नताशा, नताशा का बेटा तो देखते देखते एक साल का हो गया. हाँ हाँ मम्मा, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि रोहित जीजू और सोना दी के भी बेबीज होने चाहिए? मैं कहाँ बेबीज के एंड दूंगी. बेबीज पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है ना, और वो तो रोहित तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना. जीजू आप प्लीज खीर खाइए. रोहित क्या हो गया? तुम्ही ने अपनी मम्मा को ये इंप्रेशन दिया ना कि हमारे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है. तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता. मैं जानती हूँ तुम बहुत कुछ कर सकते हो. हटो, शूट पे जाना है मुझे. पहले मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तुम्हारी मॉम को रॉन्ग प्रूफ करना है. क्या तुम्हें आज तो प्रूफ करना ही है. ये तुम्हारी पार्वती की वजह से मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ रही. नो टेकिंग फोन कॉल. काटो. हेलो. हाँ, बस मैं निकल रही हूँ. आ रही हूँ. नो. जाना ही पड़ेगा. मैं वेट करूंगा. ठीक है, सुबह 11 बजे तक वेट कर. तो मैं साथ में चलता हूँ. शट अप. अब कुछ करना ही पड़ेगा. बिल्ली के रोने की आवाज आई, फिर कोई वहां दिखा. वो वॉचमैन. जी मैडम. पुत पर देखो, वहां कोई है. वो गेट के पास. जल्दी जाके देखो कोई है.